झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश में 55 सालों तक पंचायत से लेकर केंद्र सरकार तक कांग्रेस के ही थी तो गरीबी क्यों नहीं हटी। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ का नारा 55-60 सालों से चलता आ रहा है और आज भी कांग्रेस गरीबी हटाने की बात करती है। रघुवर दास ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में गरीबी बढ़ी है और गरीबों की योजनाओं के पैसे को नेताओं ने घोटाला कर दिया है। रघुवर दास यही नहीं रुके, उन्होंने ये कहा कि हजारों सिखों के कत्लेआम करने के बाद कांग्रेस न्याय की बात करती है। साथ ही यह भी कहा कि सिख दंगे में शामिल नेताओं को कांग्रेस ने बचाने का काम किया है। देश में एक बहुत बड़ी दंगा, सिख दंगा जिसे हम जानते हैं, हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ और कांग्रेस के शासन में जो सिख कत्लेआम के गुनाहगार थे उनको कांग्रेस के शासन में दंडित नहीं की गई। जब देश में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब सिखों के जो कत्लेआम जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल थे वो दंडित होने का काम है। तो आज देश की सिख, राज्य की सिख जनता पूछना चाहती है कि आपने कौन सा न्याय आप सिखों के साथ किए, ये जनता को बतानी चाहिए।